सत्रवा अध्याय कालिय के कालिय दह में आने की कथा तथा भगवान का व्रजवासियों को दावानल से बचाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्वज काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने ये नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प के भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालियनाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सापों सर्प जो गरुड़ को बलि देते थे उससे भी खा लेता। परीक्षित, ये सुनकर भगवान ने प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालियनाग को मार डालने के लिए विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालियनाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण लेकर उसने डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभे लपलपता रहता था, उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तक्षनंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन थे और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालियनाग की ये दिखाई ठिठाई देखकर उसका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालियनाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उसके पंख की चोट से कालियनाग घायल हो गया। वह घबराकर उन्हीं से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन सुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौरभी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा दोष कष्ट हुआ, वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उसकी ये दशा देखकर महर्षि सौरभी को बड़ी दया आई। उन्होंने इस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह श्राप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे, मैं ये सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सौरभी के इस सांप की बात कालियनाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहाँ रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला गंध वस्त्र महामूल्य मणि और सुवर्णमयी आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उसको देखकर सबके सब व्रजवासी इस प्रकार ठक उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रिया सचेत हो जाती है। वो सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उसका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे, वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सबके सब आनंदमग्न हो गए। गोपों के गुरुकुल ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास जाकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालकों को नागन कालियनाग ने पकड़ लिया था, सो छुटकर आ गया, वह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौटाने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौवे ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा जी ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने बाल लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उसकी आंखों से आनंद के अश्रुओं की बूंदे बार बार टपती पड़ती थी। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौवे
सब बहुत ही थक गए थे, ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे वज्र में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे। गर्मी के दिन थे, उधर उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग में सोए हुए व्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उनमें जलाने लगी। आग की आँच लगने पर व्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभगवान, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग में हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भई चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत है, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए।